सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन का दुख आज सारा देश मना रहा है। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के वैक्स म्यूजियम में, जहां मोम के पुतलों के कलाकार चंद्रशेखर प्रभाकर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए जानते हैं उनसे कि उनका अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में क्या कहना है। सर, जैसे कि हम जानते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि हमारे बीच में अब अटल जी नहीं रहे, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये एक ऐसी शख्सियत थी, एक ऐसे इंसान थे जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। अगर मुझे कहा जाए भगवान से कि कुछ मांगो, तो मैं तो इधर यही मांगूंगा कि मेरे देश को दो बंदे, दो इंसान, दो शख्सियतें वापस करो हे भगवान। एक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे अब्दुल कलाम जी। मैं इन दोनों शख्सियतों को सबसे ऊपर मानता हूँ, क्योंकि ये निष्काम भाव से इन्होंने अपनी सेवा की है। मुझे बताया, मैंने पढ़ा था इनके बारे में, जब इनकी शादी के लिए इनको बोला गया तो ये 3 दिन अपने आप को इन्होंने बंद कर लिया, इन्होंने शादी नहीं करवाई। और सिर्फ इस भावना थी कि मैंने सिर्फ देश की सेवा करनी है, मैंने जो जन्म लिया है वो देश के काम ही आना चाहिए, मैं इधर उधर कहीं भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करूँगा। और ऐसी श्रद्धा वाले लोग, अब ऐसे जैसे कलाम साहब ने भी अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की और देश की सेवा में लग रही, ऐसे ही श्रद्धा वाले लोगों में से इनका नाम शुमार होता है। तो बड़ा दुख है, मैं तो यही श्रद्धांजलि भगवान से अभी आपको बताया कि मांग रहा हूँ कि प्रभु ऐसी शख्सियतें हमारे देश में होनी चाहिए थी, मगर आपने हमसे ये छीन ली, हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। जैसे हम सब जानते हैं कि ये देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आपका इनके बारे में क्या कहना है कि जब तक ये प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, भारत में हमारी आर्थिक व्यवस्था में कितना सुधार आया? भारत में आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया था, और इतना ही नहीं, विदेशों में हमारी जो गुडविल बनी थी, जो हमारा रोब रबाव बना था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। क्योंकि कोई भी देश, कोई भी कंट्री, उस वक्त उसकी स्टेटस का पता चलता है जब विदेश के लोग उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दें, जब विदेश के बारे में उसके साथ राफ्ता बनाएं, हमारे साथ बिजनेस करो, हमारे साथ ये डील करो, हमारे साथ वो डील करो। तो अटल जी के आने के बाद वो जो चीज़ें थी बढ़नी शुरू हो गई। दूसरे कंट्रीज़, अमेरिका जैसे कंट्री, चाइना जैसे, रशिया वाले सब लोग हमारी तरफ और ज़्यादा झुकने शुरू हो गए, और ज़्यादा हमारी तरफ आने शुरू हो गए, ताकि जो हमारा देश है उनके साथ रफ्तार बनाए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए, उनके साथ बिजनेस डीलिंग शुरू करें। और जब बिजनेस डीलिंग शुरू होते हैं तो इट इज़ बट नेचुरल अर्थव्यवस्था जो है सुलझती है। तो इनके आने में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था, और पर ऐसा है कि भाई जो अच्छे लोग हैं हमारे लोगों को राहत नहीं आते, क्योंकि कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग हैं हमारे देश में जो अच्छे लोगों को आगे नहीं आना देने चाहते, जो हमारे देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। मगर इन्होंने फिर भी अपने 5 साल पूरे किए, और अपने टेन्योर में इन्होंने बहुत काम किए, हमारा देश इनका हमेशा ऋणी रहेगा। जैसे हम सभी जानते हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, इन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं, क्या आपने इनकी कोई कविताएं पढ़ी हैं कभी? मैंने इनकी कविताएं तो पढ़ी हैं, मगर मुझे कंठस्थ नहीं है। मुझे पता है कि बहुत अच्छे कवि थे, और सिर्फ कवि नहीं थे, बहुत अच्छे ओरेटर थे, बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। और मैं इनकी प्रेरणा लेकर मैं भी कविताएं लिखता हूं, मैं भी गीत लिखता हूं, और वो इनकी प्रेरणा से ही है। क्योंकि ऐसा है कि कविताएं इनकी जो थी बहुत सुलभ, आसान नहीं थी सुन, वो उनके बहुत अच्छे जो उनकी भाषा थी, बहुत शुद्ध भाषा, हिंदी में इन्होंने लिखा था, तो वो जो भाषाएँ हैं उनको देखो याद रखना पड़ता है। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरे को याद नहीं है, मगर हाँ इतना मेरे को पता है कि ये बहुत बड़े कवि थे। सर, जैसे आज पूरा देश रो रहा है उनके निधन पर, तो आप मतलब आप उनको एक पॉलिटिकल पार्टी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे इन्होंने काम किया हमारे देश के लिए, पर आजकल के नेताओं के लिए हम काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा हमारे देश के लिए, तो इन्होंने ऐसे आपके अकॉर्डिंग इन्होंने ऐसे क्या काम किए जो आप आज के लीडर्स को मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी इनको फॉलो कर सकें? हाँ, सबसे बड़ा मैसेज ये था कि इनके टाइम में बड़े बड़े घोटाले नहीं हुए, इनके टाइम में वो बातें नहीं हुई जो आज के लीडरों के वक्त में हो रही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा वो करोड़ों रुपये लेके भाग गए, तो ऐसी बातें इनके टाइम में नहीं हुई। इन्होंने सबके साथ कोऑर्डिनेशन बनाया, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाई, और अल्टीमेटली हमारे देश को ये आगे लेके गए।
तो आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के लीडर्स को? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इनके दिए हुए उपदेश के साथ, इनके दिए हुए लाइन ऑफ एक्शन के साथ आप आगे बढ़ें और ताकि हमारा देश और तरक्की करे। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपने इतना खूबसूरत अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मोम का पुतला बनाया, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, ये जो प्रेरणा है इनकी पर्सनैलिटी से ही मिली, इनके जो इनकी शख्सियत है वो उसी से प्रेरणा मिलती है। मैंने जितने भी पुतले बनाए हैं, मैं आपको बता दूं, मैंने उन्हीं के पुतले बनाए हैं जो मेरे दिल को अच्छे लगे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी हो। आप कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं अटल जी अब नहीं रहे, वो मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई, मगर मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है। ये अटल जी हमेशा जिंदा ही रहेंगे, हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, इस समाज में जिंदा रहेंगे, अच्छे कामों के लिए जिंदा रहेंगे, अपनी कविताओं में जिंदा रहेंगे, अपने अच्छे व्यक्तित्व के लिए जिंदा रहेंगे। मैं हमेशा इनको शत शत प्रणाम, हमारी देश की जनता इनको हमेशा नमन करती रहेंगे। सर, आप कोई और कविता, कोई दो बोल इनके लिए कहना चाहेंगे? जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो तराशा गया बना हीरा, वो नर है तो है राम, वो नारी है तो सीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। बहुत खूबसूरत कविता सुनाई सर आपने हमें। तो ये थे हमारे साथ लुधियाना के आर्टिस्ट चंद्रशेखर प्रभाकर जी, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।